खबरें कि जमीनी विवाद को लेकर दो परिवारों के बीच हुए खूनी संघर्ष का मामला हाथरस जिले के थाना कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव नगला इमलिया का है। गांव नगला इमलिया के रहने वाले शैलेंद्र पुत्र भगवान सिंह और कन्हैया पुत्र वीरपाल सिंह के परिवार के बीच 15 बीघा जमीनी विवाद को लेकर दोनों परिवारों के बीच पिछले काफी समय से विवाद चला आ रहा है। सोमवार की देर शाम कन्हैया प्रमोद पुत्र गण वीरपाल ने रुपेंद्र धर्मेंद्र और शैलेंद्र पाल सिंह पर लाठी डंडों और हथियारों से जमीन विवाद को लेकर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसी दौरान दूसरे पक्ष के कन्हैया प्रमोद पुत्र गण वीरपाल ने रुपेंद्र को अवैध असलहे से गोली मार दी। गोली लगने से घायल हुए रुपेंद्र को परिजनों द्वारा उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस जिला अस्पताल लाया जा रहा था, तभी रुपेंद्र की रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल से मृतक रुपेंद्र के भाई धर्मेंद्र पिता शैलेंद्र पाल सिंह को गंभीर हालत में अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के बाद गाँव पहुंची थाना कोतवाली हाथरस जंक्शन पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। जिले के थाना कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गाँव नगला इमलिया में गोलीकांड हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हुई है और क्या लोग घायल हैं। देखिए, ये नगला इमलिया थाना हाथरस जंक्शन की घटना है, जिसमें एक ही परिवार के दो चचेरे तेरे भाइयों द्वारा एक बंटवारे के विवाद को लेकर के और फायरिंग की गई तमंचे से, जिसमें एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाते वक्त मृत्यु हो गई और उनका एक व्यक्ति दो व्यक्ति घायल हैं, इनको अलीगढ़ रेफर किया गया है। इस संबंध में अभी इनसे तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर अभी थोड़ी देर प्राप्त हो जाएगी। इस पर अभियोग पंजीकृत करके जो भी अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। गोली किसने मारी थी? कन्हैया ने। कोई क्या वजह क्या थी? लगी किसके गोली है? आपके कौन है? अच्छा, कोई जमीन विवाद वगैरह कुछ है? है जो नगला मिलिया के घायल आए थे, एक डॉक्टर ये 108 एम्बुलेंस से तीन लोग घायल हॉस्पिटल में आए थे, जिसमें एक की मृत्यु हो गई है और जैसा एक पिता है उसके और दो पुत्र हैं, जिसमें से एक पुत्र की मृत्यु हो गई है। दो लोगों को अलीगढ़ रेफर करते हैं।